नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल इजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ सीताफल की ग्रेवी वाली सब्जी। सीताफल हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये गर्मियों में ठंडक देता है और इससे हमारी पाचन क्रिया सही रहती है, इसलिए जितना हो सके सीताफल खाया जाए। सीताफल बनाने के लिए हमने ये 1 किलो सीताफल लिया है, जिसको हमने धो के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब चलते हैं हम अपने चूल्हे की तरफ और बनाते हैं सीताफल। चूल्हे पे हमने अपनी कढ़ाई रख दी है, उसमें डाला है 2 चम्मच ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले हींग, फिर डालेंगे ये मसाला जो सौंफ, मेथी और कलौंजी से बना हुआ है। इसका थोड़ा सा तड़पने के बाद हम डाल देंगे इसमें जीरा। अब जीरे को भी हम अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि हमारा जीरा थोड़ा भुन ना जाए तब तक हम थोड़ा चलाएंगे। हमारा जीरा भुन गया, अब हम 2 प्याज डालेंगे जो हमने बारीक बारीक काट लिए थे, और इसको भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे। प्याज हमारी भुन गई है, अब हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 1 चम्मच पेस्ट है, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। हमारा पेस्ट भून गया है, अब हम डालेंगे अपना सीताफल। गैस को स्लो करके भुना है, इसको हम लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाएंगे ढककर, जब तक हमारा सीताफल बन जाए, जब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। हम डालेंगे इसमें 3 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक, इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी। हम इसमें ज़्यादा मसाला नहीं करेंगे, क्योंकि गर्मी का समय है तो पेट में जलन हो सकती है, इसलिए हम थोड़े से मसाले से एक अच्छी सी सब्जी बना के तैयार करते हैं। 5 मिनट हो गए, हम अपना फल चेक कर लेते हैं। सीताफल हमारा अच्छे से भून गया है, अब हम डालेंगे अपने मसाले। मसाले को अच्छे से मिला लेते हैं। मसाले अच्छे से मिल गए हैं, अब हम धीमी आंच पे इसे हम 3 मिनट के लिए अब और पका लेते हैं ढक के। 3 मिनट हो गए,
अब हम अपनी सूखी को देख लेते हैं। हमारा मसाला अच्छी तरह सीताफल के अंदर चला गया। अब हम उसमें एक कप पानी डाल के भून लेंगे। पहले हम टमाटर डालेंगे जो मैंने एक टमाटर काट के रखा हुआ है, और इसको भी हम मिला देंगे। अब एक कप पानी डाल के हम इसको 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। इसको रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। देख लेते हैं कि हमारा मसाला पका है कि नहीं। हमारा मसाला इसे भून गया है। अब हम इसे एक गिलास पानी डाल के अच्छे से पका लेंगे। हम ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार पानी डालें, जैसा कि आप सूखा खाते हो तो थोड़ा कम डालें, और अगर ग्रेवी वाली खाते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा डालें। अब हम इसको 5 मिनट के लिए तेज आंच पे पकाएंगे। 5 मिनट से पहले हम 3 मिनट बाद खोलेंगे और इसमें खटाई डालेंगे। 3 मिनट हो गए हैं। अब आपकी सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। सब्जी को हम थोड़ा सा तोड़ के देख लेते हैं हमारी सब्जी गली है कि नहीं। सब्जी हमारी गल चुकी है 80%। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला 1 चम्मच, थोड़ी सी कसूरी मेथी जो मैंने हाथों से क्रश कर ली थी, और इसको मिला देते हैं। और हम इसमें ये 2 आंवली मैंने काटी हुई है वो इसको डाल देंगे, क्योंकि सीताफल मीठा होता है तो बहुत बढ़िया लगता है। थोड़ा सा खट्टापन करने के लिए हमें थोड़ी सी खटाई के जगह हमने आंवली डाल दिए, क्योंकि आंवली का सीजन है तो हमें आंवली ही यूज़ करनी चाहिए। इससे सब्जी में थोड़ा खट्टापन आ जाएगा और ये खाने में अच्छी लगेगी। अब इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। खटाई को हमेशा उस समय डालना चाहिए जब हमारी सब्जी 80% पक जाए, नहीं तो खटाई डालने के बाद सब्जी पकने में टाइम लगाती है। अब हम इसको ढक देते हैं और 10 मिनट बाद देखते हैं अपनी सब्जी को। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। सब्जी हमारी रेडी हो गई है। अब हम हरा धनिया डाल के इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं। आपको जितना ये पानी नज़र आ रहा है ये अभी ठंडे होने पर थोड़ा सा सूख जाएगा और हमारी सब्जी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। ये हमारी सीताफल की सब्जी एकदम रेडी हो गई है। आप इसे पराठों के साथ खाओ, पूरी के साथ खाओ या रोटी के साथ, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें।